नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम की इमारत 5 सुतूनों पर उठाई गई है। इस बात की शहादत के अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके आखिरी रसूल हैं, और नमाज कायम करना और ज़कात देना और हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर चीज़ की एक बुलंदी है और कुरान की बुलंदी सूरह बकरा है। इसमें एक आयत है जो कुरान की तमाम आयतों की सरदार है, और वो आयत आयतुल कुर्सी है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो सूरह ज़लज़ाल पर है तो उसको निसफ कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है, जो सूरह काफिरून पर है तो उसको चौथाई कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है, और जो सूरह इखलास पर है तो उसको तिहाई कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है।